प्रणाम दीदी। की भेल दीदी, बहुत देखै छी चिंतामे अहाँ बैठल छिए, की बात छियै दीदी? बहुत दुखके बात, एक बच्चा रहै बहुत अच्छासँ दुलार प्यारसँ पोसने रहै, ओकरा मोन खराब भए गेलै, बहुत झड़ेलियै फूकेलियै, ओझा गुनी बहुत लगेलियै, लेकिन तब पर भी बच्चा हमर मरि गेलै। की भेल रे दीदी, डॉक्टरसँ नहि देखेलियै रे की? अपने की बोललियै दीदी? छत्तीसके बोलेलियै, स्वास्थ्यके बोलेलियै, झड़ेलियै फूकेलियै, तैयो बच्चा हमर खतम भए गेलै। ओह दीदी, फेर अपने ये झड़बैये फूकबै वाला पर विश्वास केलिए हैं? तो की करिए दीदी? अगला शनिचर के जे संजय भाई जी आयल छले पशुधन सुरक्षा के लागी बतबै के लागी आयल छले सर सफाई के, तो अपने नहि गेल छलिए की? नहि गेलिए दीदी। हमहूँ तऽ नहि गेल छलिए, लेकिन गाँवमे दीदी सब बतबै छलै कि जे पशु सब जे छै पूरा गंदगी फैला के जे रखै छै ने, गोबर करची सब गंदा सब जे रहै छै, थाल कादो कीचड़, यही सब जे सर सफाई के नहि रखै छै, ओहिके चलते बीमारी फैलै छै। हमरा बच्चाके थोड़े दीदी कुछो भेलै, बच्चा तऽ हमर खूब बढ़िआँ रहै, तनिगो देखा गेलियै देह गरम रहै, बस गला फुललै, मुँह से लार चुलै, बस तुरते खत्म भए गेलै। दीदी ई बात जे अपने बतेलियै ये, ई गला घोटी के लक्षण छियै बीमारी के ई, और ई बीमारी जे छै साफ सुथरा नहि रखै के कारण से होइ छै ये। दीदी हम तऽ नहि जानै रहियै कि गंदगी के कारण रोग होइ छै। अच्छा दीदी, कोन कोन रोग होइ छै? अपने बहुत बढ़िया प्रश्न केलियै हैं। बरसात के मौसम में पशु के जे बीमारी होइ छै ओ पांच प्रकार के बीमारी छै हैं, जेना गला घाटी, लंगड़ा बुखार, पील बढ़ा, मुंह पका, थनैल, या मुख बीमारी पांच प्रकार के जे छै अपना गांव घर के पशु में पायल जाय छै। दीदी केना बुझबै कि हमरा गाय माल के भए गेलै गला घाटी वाला बीमारी? जब पशु सुस्त होय के रहे लागे, बुखार आबि जाए, गला फूल जेना और लार मुँह से जेना, यही लक्षण छियै गला घाटी बीमारी के। दीदी तो बता देलिए, तो फिर एक इलाज कैसे होते? दीदी सबसे पहले जे छै बथान के साफ रखे के छै, और दूसरा जैसे अपने के बीमारी के बारे में लक्षण पता चले तुरंत डॉक्टर के जाके खबर करे के छै या डॉक्टर दवाई देते, वही हिसाब से अपना फिर पशु ठीक होते। दीदी ओ जे कहलियै कि लंगड़ा बुखार होइ छै, ओ केहन होइ छै? दीदी इएह लंगड़ा बीमारी के जहरबाज या सूजबा बीमारी कहै छै। दीदी ई बीमारी बरसात के मौसम मे 6 महीना से 18 महीना के पशु के अधिक होइ छै। दीदी केना समझबै कि हमरा पशु के ई बीमारी भेलै? दीदी जब हमर जानवर नंगड़ावे लागे, शरीर के पिछला पुट्ठा फूल जाए, शरीर के कहीं भी जहीं तहीं जे छै फूल जाए, तो ऊ जे छै छूला से करकर के आवाज आबै छै, तो समझ जाइयो हमरा जानवर के लंगड़ा बीमारी आबि गेलै। दीदी ई बीमारी के की इलाज? ई बीमारी के यही इलाज छै, डॉक्टर साहब से मिलियो आ बीगू के टीका लगाबियो। दीदी बतलिए पांच गो बीमारी के नाम, तारो कोन कोन बीमारी छै? हाँ दीदी, दू गो बीमारी के तो नाम बता देलिए, और एगो बीमारी भेले पील बढ़वा, पील हितवा जो बीमारी छै ओ बीमारी भेले। तो दीदी ई बीमारी कहलिए तकर लक्षण कोन छै? हाँ दीदी, बीमारी के यही लक्षण छियै कि बहुत तेज बुखार आ जेनाइ, पेट फूल जेनाइ, पेट में जे आँत होइ छै ओ पीला ओ बढ़ जेनाइ, पेट छुरा से एकदम कड़ा हो जेनाइ, एकदम टाइट लगनाइ, यही सब लक्षण छियै ओकर। दीदी जेना ई बीमारी के लक्षण अहाँके पता देते तुरंत डॉक्टर से संपर्क करबै, हम अपने के सब बात बताइए देलिए लक्षण के बारे में, जेना अहाँके पता तब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करबै और डॉक्टर ई बीमारी के इलाज करते। दीदी आर कोन कोन बीमारी होइ छै? हाँ दीदी, चौथा बीमारी भेलै मुँह पखा, भजहा, गाँव में देहात में लोग ओकरा भजहा कहै छै, खुरहा बीमारी ओकरे कहल जाइ छै, ये जे बरसात में बहुत ही बीमारी जे छै ने अधिकतर होइ छै बीमारी। ई बीमारी के कोन कोन लक्षण होइ छै दीदी? दीदी ई बीमारी के लक्षण यह छियै खूर में फुंसी फुंसी टाइप के हो जाना,
और ओकरा जे छै मवेशी चाटै जे छै तऽ मुँहमे आबि जाइ छै और ठीक समय पर इलाज नहि करेलाके बाद वही जे छै बहुत मतलब छाला टाइपके जे छै ने भयंकर घाव हो जाइ छै। दीदी दीदी आरो कोन कोन रोग होइ छै? दीदी एक रोग और भी छै थनैल, जे दुधारू पशुमे अधिक होइ छै। दीदी थनैल रोग केना होइ छै? दीदी थनैल रोग होइ छै स्थानमे चोट फोट लागि गेलाके बाद होइ छै। एकर लक्षण की छै थनैल रोग के? एकर लक्षण दीदी इएह छियै कि स्थान फूलि जाइ छै और लाल भी हो जाइ छै, छूला से काड़ा काड़ा होइ छै और तो गाय के सर मतलब फीवर भी बुखार भी आबि जाइ छै। दीदी आर कोई इलाज छै बीमारी के? हाँ दीदी इलाज तो छै, चलियो ने बगल में सरिता दीदी ट्रेनिंग ला के आयल छै, हुनके से जानकारी ले लै छियै। प्रणाम सरिता दीदी। प्रणाम। अहाँ जे अयलिए ट्रेनिंग ला के मवेशी के बीमारी के बारे में, ओ हमरा बतैयो दीदी केना केना करबै? ठीक छै हम बताबै छी। दीदी एगो बीमारी होइ छै गलाघोटू, जेकरा कि जेकरा में कि एंटीबायोटिक पड़ै छै। दीदी ई दवाई जे छै एंटीबायोटिक के साथ ही मेलोमैक्स प्लस दवाई 10-10 ml के 3 दिन तक देल जाय छै गाय के मांस में, जेकरा कि गाय के बीमारी खत्म हो जाय छै। सुनलिए ना? देखिए दीदी ई दुनू दवाई के साथ बेला मेल दवाई देल जाय छै 10-10 ml 3 दिन तक गाय के गर्दन पर पड़े छै, जेकि ओकर बीमारी खत्म हो जाय छै। दीदी ई तीनों दवाई लंगड़ा बुखार में भी पड़े छै। दीदी लंगड़ा बुखार के की इलाज छै? दीदी लंगड़ा बुखार में एविल सुइया भी काम आबै छै 10-10 ml 3 दिन तक ई पड़े छै, जकरा में कि बुखार ठीक हो जाय छै। सुनलिए ना? दीदी पिलबढ़वा बीमारी के की इलाज छै? एकरो इलाज छै दीदी। दीदी ई बीमारी में ट्राइसिल बेट सुइया 3 दिन तक 10-10 ml देल जाय छै। मुबक्का बीमारी की इलाज दीदी? इहो बीमारी के छै इलाज दीदी। दीदी ई घाव में हिमैक्स महलम पड़े छै, जहाँ जहाँ घाव होइ छै वहाँ वहाँ पड़े छै, बेला माइल सुई भी 10 ml 3 दिन तक पड़े छै, जकरा में कि ई बीमारी ठीक हो जाय छै। दीदी ई घाव के डिटोल में सुसुम पानी कर के रोज दिन धोअल जाय छै, अगर डिटोल नहि मिलै छै तऽ सुसुम पानी और फिटकिरी में डालि के लगायल जाय छै। अच्छा दीदी थनैला बीमारी के की इलाज छै? दीदी थनैला बीमारी में डिटोल पानी, सुसुम पानी और डिटोल से साफ करै छै थान के रोज दिना। ई दवाई के साथ साथ एंटीबायोटिक भी पड़े छै, जे कि 2 दवाई और छै मेलोमैक्स और एंट्राइडिवेट 10 ml 3 दिन तक पड़े छै ई सुई। दीदी एते अच्छा अच्छा बात बतैलियै कि बहुत अच्छा बात। हाँ दीदी अपने जितना समय दे करके इतना बहुमूल्य बात बतैलियै है, अब हमर पशु जे कोई तरह के बीमारी होइ छै तऽ हमें डायरेक्ट सीधा जाके डॉक्टर से मिलबै और अपना पशु के इलाज ठीक ढंग से करेबै। ठीक छै दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय। धन्यवाद।